आज रियासी के चनका इलाके में बह रहे चिनाब दरिया में टैंकर का पिछला हिस्सा बहता हुआ दिखा। उक्त हिस्से में टैंकर का इंजन नहीं था, केवल टैंक था। ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि कभी कोई टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। उसी का एक हिस्सा चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ने पर बहते हुए आगे की तरफ आ गया होगा। देखते ही देखते टैंकर का उक्त हिस्सा आगे की तरफ बह गया और फिर NHPC सलाल डैम के ठीक पास फंस गया और फिर कुछ देर बाद डैम के खुले हुए गेट से निकलकर आगे की तरफ बह गया।